हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइफ है ब्रो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियो वीपीएन नेट ई प्रोएक्सी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, वैसे इस एप्लीकेशन का रेटिंग 0.3.3 है और इसको 50,000 से लोगों ने किया है डाउनलोड। अब ये एप्लीकेशन क्या है और कैसे काम करता है, इसका सही तरीका क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान आपको होंगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के एंड तक बने रहना अगर आपने भी कर रखा है डाउनलोड। वैसे इस एप्लीकेशन को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर 2024 को इसको अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाते हैं ताकि आप इस एप्लीकेशन को अच्छे से यूज़ कर पाए और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी ना हो। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में एडवर्टाइजिंग आएंगी तो उसको ऊपर की साइड से आपको हटा देना है। एडवर्टाइजिंग को हटाने के बाद सारी परमिशन के लिए आपको अलाव करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको लैंग्वेज चेक, फेक, फीडबैक, प्राइवेसी पॉलिसी और रेटर्स जैसे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ज़्यादातर जो लोग गलती कर रहे हैं आजकल, वो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पहले नहीं करना है, आपको सबसे पहले इस स्मार्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। स्मार्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब वैसे तो आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते, कोई परेशानी नहीं है और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए, अलग अलग ऑप्शन अलग अलग कामों के लिए। आप इससे क्या करना चाहते हो मुझे ये भी नहीं पता, तो आपको किसी एक पे क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं पेरिस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने पेरिस पे क्लिक किया, यहाँ पे कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो गया, कनेक्ट भी हो जाता है। नीचे की साइड में आपको डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड देखने के लिए मिलती है। साथ साथ कनेक्ट होने के बाद आपको एप्लीकेशन से बाहर निकल जाना है। दोस्तों, एप्लीकेशन में टाइम की लिमिट होती है, यानी 30 मिनट से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहो तो यहाँ पर आपको और भी टाइम दिया जाता है, जैसे 10 मिनट का यहाँ पे और यहाँ 30 मिनट का। वैसे इस एप्लीकेशन से बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना, गेमिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, फोटो एडिटिंग करना, चैटिंग करना और भी अलग अलग काम। लेकिन सारे काम आपको एप्लीकेशन से बाहर निकल के करने होते हैं। अगर आप सोचोगे कि एप्लीकेशन के अंदर सारे काम होंगे तो ऐसा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।